व्यक्ति बारात निकालना चाहता है और बारात निकालने से पहले वो डीएम एसएसपी को एक शिकायत देता है कि अमुक गांव से मुझे बारात निकालनी है, और उसके बाद अगर उस बारात पर या उस परिवार पर उस समाज पर कोई भी हमला होता है तो तुरंत ही वहां का जो डीएम है, वहां का जो एसपी है, उन सभी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई शिकायत देने के बाद अत्याचार हो जाए तो तुरंत ही उस जिले के डीएम को और एसपी को वहां से रिमूव करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। और रही बात की क्या अपराध होता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 एससीएसटी एक्ट के अंदर में मामले पे ना केवल एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद जो जो दोषी लोग हैं उन्हें जेल में डालना होगा, प्रिवेंटिव एक्शन लेने होंगे, पूरी स्टेट मशीनरी को आना पड़ेगा और उस स्टेट मशीनरी को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी जिस भी व्यक्ति ने शिकायत की है। और अगर स्टेट मशीनरी ऐसा करने में फेल होती है तो उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है, उस स्टेट का जो डीएम है, उस स्टेट का जो एसपी है, उस स्टेट का जो एएसपी है, उस स्टेट का जो थानेदार है और उस स्टेट के जितने भी अधिकारी जो एससीएसटी एक्ट के अंदर में मेंशन किए गए हैं, उन सभी पे सेक्शन 4 की कार्रवाई होगी। उस सेक्शन 4 की एफआईआर होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए अपनी नौकरी करना। परंतु हम लोग जो है कानून के मामले में थोड़ा सा हम अलग व्यू रखते हैं, तो व्यू यही है कि अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी प्रोग्राम करता है, सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल करता है या उसे रोका जाता है, उसके खिलाफ कोई भी अत्याचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने की अगर संभावना है, तो वो उस व्यक्ति को तुरंत ही डीएम एसपी एसएसपी और अनुसूचित जाति आयोग सभी को इस बात की इंटीमेशन देनी चाहिए। और इंटीमेशन के बाद अगर स्टेट मशीनरी फेल होती है तो स्टेट मशीनरी में स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से लेकर उस जिले उस जगह के थानेदार तक के खिलाफ जो एप्रोप्रिएट सेक्शन जो है एससीएसटी एक्ट का सेक्शन 4 और जो आईपीसी के जो दूसरे सेक्शन है उनके अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। दलित अगर मुझे रख ले तो उसकी हत्या हो जाती है, उसको घोड़ी पे बैठने का अधिकार नहीं होता, आखिरकार घोड़ी लगती क्या है? इन्हीं तमाम सवालों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एडवोकेट सत्य प्रकाश। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। जय भीम सुरेंद्र जी, जय भीम। सत्य प्रकाश जी, दलित अगर मूंछ रख ले तो उसको मार दिया जाता है, अगर वह घोड़ी पे बैठ जाए तो उसे मार दिया जाता है या उसको बेइज्जत कर दिया जाता है। एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उस फोटो को आप देखें। यह फोटो है उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के अंदर बुलंदशहर की है। बुलंदशहर के अंदर जवान है ये गौरव गौतम की, जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, बारात निकाली गई घुड़चढ़ी की रस्म के दौरान गांव में चप्पे चप्पे पर सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात करे गए। यहाँ पे 9 महीने पहले हुए जाति खूनी संघर्ष हुआ इस तरीके से, क्या कारण है जो देश के अंदर सुरक्षा का काम करते हैं गौरव, उसके बावजूद भी इन्हें प्रोटेस्ट दिया गया, दिल्ली जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उस पुलिस की इन्होंने सुरक्षा मांगी गई, तो क्या कारण है आज भी जब देश आज डिजिटल युग बनता जा रहा है उसके बावजूद भी आज जातिगत लोगों की मानसिकता खत्म नहीं हो रही है? आखिरकार कौन लगती है घोड़ी, अगर उसमें बैठ जाएगा दूल्हा तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे एडवोकेट? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस ज्वलंत मुद्दे को आपने उठाया और इस मुद्दे पर आप बात अगर रखना चाहते हैं तो मैं इसमें अपना व्यू देना चाहता हूं। देखिए, सवाल यह है कि उन्हें घोड़ी से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत है कि क्यों आज हम सर उठा के उनसे बात करते हैं, उन्हें दिक्कत है क्यों आप हम उनकी नजरों में नजरें डाल के बात करते हैं, उन्हें दिक्कत है कि क्यों आज हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, और उन्हें दिक्कत है कि क्या कारण है कि जो ये हजारों साल से हमारा शोषण करते आ रहे थे उस शोषण की व्यवस्था को हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान में 70 साल के अंदर ही चुनौती देने लगे। पिछले 7,000 साल में ऐसा नहीं हुआ जो पिछले 70 सालों में ऐसा हो रहा है। और जब ये बात होती है कि क्या कारण है कि ये घोड़ी से नफरत करते हैं, देखिए इन्हें नफरत सिर्फ घोड़ी से नहीं है। अगर आप अच्छे कपड़े पहनोगे तो आपको मार दिया जाएगा। जितेंद्र मेघवाल की हत्या इस वजह से हो जाती है क्योंकि उन्होंने कोई फेसबुक पे पोस्ट किया और उन्होंने अच्छी मोचे रखते थे। उसके जितेंद्र मेघवाल के बाद में आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर ही वहां पर एक दलित को इस वजह से मंदिर के अंदर उसकी नाक रगड़वाई गई क्योंकि उसने जो है कुछ फेसबुक पे पोस्ट किया गया था। उन्हें हर चीज से दिक्कत है। अगर आप अच्छा खाओगे, और मैं बताना चाहता हूँ आगरे की संजली की हत्या इस वजह से कर दी गई थी क्योंकि वो साइकिल पे चलती थी, तो हर उस बात से दिक्कत है जो कि मानव के जो मूल्य है उन्हें
कोई भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ घोड़ी के चढ़ने से इन्हें दिक्कत हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले तो इन्हें इस बात से भी दिक्कत होती थी कि इनके गांव में से अगर कोई बारात निकल जाए तो इन्हें दिक्कत होती थी, गाँव के बाहर से लाना पड़ता था। उसके बाद में फिर जब हम घोड़ी में चढ़ने लगे तो इन्हें घोड़ी से दिक्कत होने लगी है। लेकिन उसके बाद अगर हम कुछ और अचीवमेंट करेंगे तो इन्हें हर उस चीज से दिक्कत होगी जो हमारी अचीवमेंट है। और अचीवमेंट जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के जो संविधान है उसके संविधान के अनुसार हम कोई भी चीज अगर अपना मांगेंगे तो उनसे दिक्कत होगी। ये तो बात जब है जब हम एक ऐसे अर्बन एरियाज में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुलंदशहर जो है एक बहुत मजबूत जिला है जहां पर अनुसूचित जाति के लोग जो है बहुत मजबूत है, उसके बावजूद भी ये हाल है। तो ये इनकी मानसिकता है, इनकी मानसिकता यह है कि नहीं, हम घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे। तो एक तो ये तो था एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू भी है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं कि दूसरा पहलू ये है कि क्या हमें हमारे लिए जरूरी है कि हम गौड़ी बग्घी और ये सारी चीजें किक करें। तो इस बारे में हम बाद में भी इसमें कर सकते हैं, परंतु वर्तमान में यही है कि जो घोड़ी है शायद इन्हें सिर्फ इस बात से ज्यादा डर है कि क्यों आज हम अपनी गर्दन उठा के चल रहे हैं, और जब घोड़ी चलती है तो हो सकता है कि इन्हें ऐसा लगता होगा कि हमारी छाती पे जो कील ठोके जा रहे हैं, इस वजह से ये जो है घोड़ी बग्घी और इन चीजों पे ज्यादा ज्यादा जोर दे रहे हैं। जी सत्य प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक अधिवक्ता भी हैं, क्या लीगल कुछ ऐसा होता है कि घोड़ी में ना चढ़निया दिया जाए? अगर इस तरीके की लोग कार्रवाई करते हैं तो क्या कितने एक्ट होते हैं, किस तरीके से उनको रोका जा सकता है, और किस तरीके से एक्ट होते हैं जिनको रोका जाके इस तरीके के काम ना हो, उस पर सरकार को और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बारात निकालना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति बारात निकालना चाहता है और बारात निकालने से पहले वो डीएम एसएसपी को एक शिकायत देता है कि अमुक गांव से मुझे बारात निकालनी है, और उसके बाद अगर उस बारात पर या उस परिवार पर, उस समाज पर कोई भी हमला होता है तो तुरंत ही वहां का जो डीएम है, वहां का जो एसपी है, उन सभी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई शिकायत देने के बाद अत्याचार हो जाए तो तुरंत ही उस जिले के डीएम को और एसपी को वहां से रिमूव करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए। और रही बात की क्या अपराध होता है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 SC/ST एक्ट के अंदर में मामले पे ना केवल FIR होगी, FIR होने के बाद जो जो दोषी लोग हैं उन्हें जेल में डालना होगा, प्रिवेंटिव एक्शन लेने होंगे, पूरी स्टेट मशीनरी को आना पड़ेगा और उस स्टेट मशीनरी को प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी जिस भी व्यक्ति ने शिकायत की है। और अगर स्टेट मशीनरी ऐसा करने में फेल होती है तो उस स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी है, उस स्टेट का जो डीएम है, उस स्टेट का जो एसपी है, उस स्टेट का जो एएसपी है, उस स्टेट का जो थानेदार है, और उस स्टेट के जितने भी अधिकारी जो SC/ST एक्ट के अंदर में मेंशन किए गए हैं, उन सभी पे सेक्शन 4 की कार्रवाई होगी। उस सेक्शन 4 की FIR होने के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए अपनी नौकरी करना। परंतु हम जो है, हम लोग जो है कानून के मामले में थोड़ा सा हम अलग व्यू रखते हैं, तो व्यू यही है कि अगर भविष्य में कोई भी व्यक्ति अपना कोई भी प्रोग्राम करता है, सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल करता है, या उसे रोका जाता है, उसके खिलाफ कोई भी अत्याचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने की अगर संभावना है, तो वो उस व्यक्ति को तुरंत ही डीएम एसपी एसएसपी और अनुसूचित जाति आयोग सभी को इस बात की इंटीमेशन देनी चाहिए। और इंटीमेशन के बाद अगर स्टेट मशीनरी फेल होती है तो स्टेट मशीनरी में स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से लेकर उस जिले उस जगह के थानेदार तक के खिलाफ जो एप्रोप्रिएट सेक्शन जो है SC/ST एक्ट का सेक्शन 4 और जो IPC के जो दूसरे सेक्शन है उनके अंदर FIR दर्ज होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि ना केवल SC/ST एक्ट के अंदर FIR दर्ज होगी बल्कि IPC में भी FIR दर्ज होगी। IPC के अलावा भी एक एक्ट है, सिविल
प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अंदर में भी एफआईआर दर्ज होगी, परंतु सिविल प्रोटेक्शन एक्ट में एफआईआर दर्ज ना करा के एससी एसटी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करा के पूरी स्टेट मशीनरी को इसमें इन्वॉल्व करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि पूरी स्टेट मशीनरी आएगी, ये कोई भीख नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी फुलफिल करनी पड़ेगी, एससी एसटी एक्ट के हिसाब से प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और ये प्रोटेक्शन मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है। जी सत्यप्रकाश जी, ये लगातार इस तरीके की बातें देखने में आती रहती हैं कि कभी किसी को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, वहां पे मूछें नहीं रखनी गई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश का ये सीन है, उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर इस तरीके का काम ना हो उसके लिए देश जनता को क्या करना पड़ेगा, वह बहुत अहम सवाल है, वह हमें बताएं। सुरेंद्र जी, जब जब बहन कुमारी मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आप एक घटना बता दीजिए किसी ने घोड़ी पे से उतारा हो, किसी ने नजर उठा के देखी हो। और मैं बता देना चाहता हूं कि यह ताकत थी बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती की कि पूरे चार बार जब तक कार्यकाल रहा, आप एक सिंगल इंसिडेंट ऐसा बता दीजिए जहां घोड़ी से तो क्या कहीं से भी कुछ भी अत्याचार अगर हुआ हो, एक भी वहां पर कोई जो जो दंगे हैं वो हुए हो या हमारे समाज पे कोई अत्याचार हुआ हो, अगर ऐसी कोई भी एप्रिहेंशन या अंदेशा होता था तो पूरी की पूरी स्टेट मशीनरी संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से काम करके प्रोटेक्शन दिलवाती थी। और यही नहीं, विरोधियों के भी हलक सूख जाते थे कि अगर हमने ये काम यहां कर दिया तो हमारे साथ क्या होगा, ये विरोधियों को भी पता था। इस वजह से पूरे के पूरे जो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं आज बताना चाहता हूं कि जो लोग कांग्रेस से आके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये है, उत्तर प्रदेश में वो है, बीजेपी के शासन में ये होता है, कांग्रेस के शासन में ये होता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर जहां इन दोनों की सरकार है, आज भी अत्याचार उसी प्रकार हो रहे हैं जैसे आजादी से पहले होते थे और आज भी हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके मुंह में दही जम जाती है जब ये राजस्थान में एट्रोसिटी की बात करते हैं और शेड्यूल कास्ट अत्याचार की बात करते हैं सैकड़ों, परंतु अगर यही अत्याचार, यही इस प्रकार का कुछ भी उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में अगर कोई हवा भी चलती थी तो ये उसे आंधिया बना देते थे और ये ऐसा सोचते थे, परंतु आज ये जितने भी लोग हैं जो कहते, जो जो अत्याचार को बढ़ावा देते हैं, अगर आपको मैं कहना चाहता हूं इन लोगों को कि कांग्रेस को स्पेशल कि पूरे भारत में आपका एक छत्र राज रहा, परंतु आपने खेल लांजी कराई, आपने बथानी टोला करवाया, आपने फूल बातें करवाया और अब कांग्रेस के बाद जो बीजेपी है, जो इनकी पार्टी है, जो इनके मुद्दे को, जो इन्होंने बीज बोया उस बीज को आगे बढ़ा रही है, वो खुलकर शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि आए दिन आप देखिए कि किसी को मूछों के कारण मार दिया जा रहा है, किसी को घोड़ी के कारण मार दिया जा रहा है, किसी को सोशल मीडिया पोस्ट के कारण मार दिया जा रहा है, और जो व्यक्ति मजबूत है उन्हें फर्जी मुकदमे डाल के हमारे अधिकारियों को जेल डाला जा रहा है। तो जब और अगर आपको इस अत्याचार का बदला लेना है तो मैं बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी की हमें सरकार बनानी पड़ेगी ताकि जो ये जो नागनाथ और सामनाथ है ये हमारे ऊपर अत्याचार करने से डरे और इनके जो जो मानसिकता है और इनके जो मंसूबे हैं उन्हें सिर्फ पूरे भारत के अंदर अगर कोई निस्तनाबूद कर सकता है तो वो है बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी। जी मैं धन्यवाद करूंगा वकील साहब, जो आपने इतना बहुमूल्य समय हमें दिया और आपने बताया कि अगर कोई भी शादी करना चाहता है और वह बारात की घोड़ी पे, उसे घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है तो डीएम और एसपी तक सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको संवैधानिक कार्य करना होगा। आपने लिखित रूप से डीएम को और एसपी को लेटर लिख के देना पड़ेगा और पूरी मशीनरी इस पे इन्वॉल्वमेंट हो जाती है अगर इसके बावजूद भी आपके साथ कोई आपदा या इस तरह की कोई घटना होती है। ठीक बात है सत्यप्रकाश जी? जी बिल्कुल, और उस जिले का डीएम और उस जिले का जो एसएसपी है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी प्रकार की आपदा हो जाती है और उसको तुरंत सस्पेंड करना होगा। ये जो जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने ये व्यवस्था की है। जी धन्यवाद आपका सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।